चतुर्थाध्याय दीनबन्धुदास संवाद मन उवाच। मन बोलाई चैताना सुनिले कर्ण रविधाना मोर पड़ो साजे थेला श्रवण मात्रे दूर जगन्ना जय जय जगन्नाथ कलिया सांतंकर श्री चरणारविंद जुगल रे कोटी कोटी जुहार मणिमा कोटी कोटी जुहार। अपार करुणा सिंधु भगवान भक्त वश्य जुग जुग धरी काल काल धरी कलिया सांत भक्तमान को परित्राण करिबा हुचि तंकर स्वधर्म स्वविचार। भक्तमान पैसे लीला ही करी था मदभक्तं विनोदार्थे करोमि विविध क्रिया। केवल भक्तमानंकर आनंद पाइमा ए कालिया सांत नीलाचल नीलाद्रि कंदर बसी काल काल धरी जुगरे सत्य त्रेता द्वापरे कलिरे काल रे मध्य लीला करुछन्ते। पामर रामदास चैतन्यंग पाखरे बसछन्ति पचारुछन्ति हे गुरुदेव आपण जो कथा प्रसंग सत्य त्रेता द्वापर कलिकाल द्वापर जुगर कर्ण राजांकर कथा श्रवण करी मु कुतार्थ हेगली कुतार्थ हेगली। जो कथा को श्रवण कले मनुष्यर हृदय भितरु समस्त पाप स्वाभाविक क्रमरे धौत हो जाइता। ए भक्त चरित्र श्रवण कले कौन मिले आमको मिलिबो कौन आमको यहाँ ही मिलिबो जे आमे समस्त अदृश्य एवं दृश्यवान समस्त परजन्म एवं प्रारब्ध समस्त पाप ए भगवत कथा भगवत लीलार श्रवण मात्र के खंडन होइथाय। एवं से चैतन्य पाखरे काकुते विनती हई करपत्र जोड़ी नतमस्तक होइन प्रार्थना करुछन्ति मते सेई प्रभुंकर हरिलीलार रहस्य हरिकथार रहस्य आपणंकर मुखार बिंदरु दुई पद कहिले ए सुनिए जीवन कुतार्थ हे कुतार्थ हे। जदि भगवानंकर कथा में श्रवण न करिबा तबे कौन हब जानिछन्ति पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम फेर जन्म मृत्यु चक्र रे बुड़ी से रक्त मांस भितरे बुड़ी छटपट हवा या हौचि मनुष्यर धर्म अटे। तेणु प्रभुंकर कथा श्रवण कले ए महिमा भक्तर महिमा श्रवण कले लीला महात्म्य श्रवण कले जन्म जन्मांत बंधन रु जन्म जन्मांत पाप क्षय होइता। ए कलिजुगर चरित्र कथा कहुचंती चैतन्य सत्यरे सुनिले द्वापर त्रेतयार कथा सुनिले द्वापर जुगर कथा सुनिले कलिकाल रे कालिया शांत बसचंती नीलाद्रि कंदर भितरे बसचंती
छपन भोग खाई बसचंती किछि कहा को कहू नांती निदाविष्ट होई बसचंती सबु देखुचंती हसुचंती जहा को जहा करबा कथा ता तांक बाचरे करूचंती। चैतन्य कहुचंती हे पामर अवंती कलिजुगर घटना मु तुमको कहूचि श्रवण कर। अवंती नगर जो अवंती नगर है महाराज इंद्रदम्नंकर स्थान जो महाराज इंद्रदम्न दिने संकल्प करिथिले भगवान कौठी अछंती तांकु मु चर्म चक्षु रे देखिबा कु चाहुची। सेई अवंती नगर रो जने व्यक्ति तांकर ना होची दीनबंधु दास एवं से अत्यंत श्रद्धालु भक्त प्रिय भगवत प्रेमी तांकरी चरित्र श्रवण करिवा पाई मन चैतन्य मन को स्थिर रख तेणु चैतन्य पामर रामदास को दीनबंधु दास से पवित्र चरित्र संबंध में कहवा को जाऊंती कौन कले कालिया शांत दीनबंधु दास को किपर लीला कले आम श्रवण करवा उपकाराय स्वर्गाय पापाय परपीडन एहा उचि मनुष्यर मूल मंत्र अटे। परर उपकार करिवा एहा उचि धर्म अटे। परर अपकार करिवा एहा उचि अधर्म अटे अन्याय अटे। जे परर उपकार करंती से वैकुंठ प्राप्त हुंती। पर उपकाराय स्वर्गाय पापाय परपीडन जे पर को पीड़ा दिए मो द्वारा जड़े लोक पीड़ा पाऊची कष्ट पाऊची मोर वाक्य द्वारा हो शारीरिक हो आर्थिक हो मानसिक हो जो प्रकार हो यदि मो द्वारा जड़े जीव दुख पाऊची पाप मो द्वारा जड़े लोक सुख पाऊची पुण्य यह हूँ व्यासंकर वचन द्वय ये जोड़िए कथा व्यास ठीक से अवंती नगर निवासी दीनबंधु दास सही परिजने व्यक्ति गृहस्थ संसार करिछंती गृहस्थ आश्रम होची सर्वश्रेष्ठ आश्रम जो आश्रम रे मनुष्य को सब किछि प्राप्त होई थाए जेते जोगी ऋषि मुनि देवता अछंती समस्त गृहस्थ आश्रम करिछंती भगवान शंकर उचंती ए संसार समस्तंतु बड़ जोगी से मध्य गृहस्थ आश्रम करिछंती तेणु गृहस्थ आश्रम ठोली बड़ा आश्रम किछि नै किंतु गृहस्थ आश्रम रो जो धर्म ता पालन करबा आउछि समस्तन बड़ कष्ट कथा। आमो घरे आमे खाई पी करी आमो पड़ोसी घरे आमो पड़ोसी कोन खाइला उपास रहिछि कि रोटी खंडे पाइनी कि पानी मुंदे पीनी
से कथा चिंता आमर करिवार नाही। आमे 100 ग्लास पानी पी 10 ग्लास खीर पानी ढालुचु एवं लोक देखुचे आम घर एमती क्षीर भासुची माखन भासुची तार किछि मूल्य न थाए, तार कोनोसी मूल्य ही न थाए, भगवान सेतरे संतुष्ट होवंति नाय। तेणु दीनबंधु दास तांकर जो परिवार, ए परिवार होचंति पांच जन परिवार, मांग स्त्रीकर नाम मालती, तीनी गोटी पुओ, निजे स्वामी स्त्री, एपरि पांच जन लोक तांको परिवार भितरे से चलुथान। एवं परिवार किमिति चलुथान्ति ना सत्य वचन सबुबले सत्य सेठी थाए, मिथ्या कथा कहिवार आवश्यकता ही न थाए, मिथ्या द्वारा मनुष्य नर्कगामी होता है, सत्य द्वारा मनुष्य श्री वृद्धि होता है, आयु वृद्धि होता है, जस वृद्धि होता है। आप सत्य कहिबे आपण जस कृति आयु वृद्धि हो, आप मिथ्या कहिबे आपण जस हानि हो, कृति हानि हो, एवं आपण लक्ष्मीच्युत हो। तत्सहित गृहस्थाश्रम जो धर्म आतिथ्य परायण उत्तम वचन पर उपकार परर उपकार चिंता करिबा परर सेवा करिबा ए समस्त कथा से परिवार भितरे पांच जन जाक पंच मन एक है से परिवार गुंजरान तेलुन संसार करी दीनबंधु दास तांको परिवार रे चलु थांती सदा सर्वदा नित्य भगवानंकर गुणकीर्तन नाम कीर्तन श्रीमद भागवत पठन एवं साधु संत महात्मा मानंकु प्रणाम पूर्वक जब सम्मान दे तांकर मुखारविंदर वाणी को ग्रहण करी आचरण करी परिवार परिचालना करूथिले दीनबंधु दास। कौन हैला कालिया शांत तांकु किपरी भेली के देखो चंती किपरी दर्शन दऊ चंती ताहि देखिबार कथा। ए माने प्रवेशिले जेते नाही न बोले कदा कीते सक्य अनुक्रमे से दे नथिले कहई बे प्रभु कालिया शांत बसी चिंता करुछ दीनबंधु दासर परिवार जस कीर्ति ग्राम नगर पाटणार चारियाड़ ख्याति संपन्न हला। समस्ते जय जयकार कले, समस्ते प्रसन्न चितरे कहिले कले अरे जहार जहा दरकार केतबले अभाव असुविधा अछि दीनबंधु दासंकर परिवार द्वार सम्मुखरे जे छिड़ा हंती से निराश्रय होइ केबे फिरेना, निराश्रय जनंकु आश्रय दाता से। तेणु तांको पाखु जेते बले जे जेउ भावरार गले समस्तंकर पेट कथा से बुझंती, निजे खाई घरे बड़ लोक हवार लोक से नुहंती। कोली काल रे जिमिति लोक आमे निजे घरे खाई पीकरी एसिरे सोईकरी बा पड़ीसा लोक पछे मरु सेथेरे चिंता करिबा नै, एवं आमे लोकं कहिबा आमे बड़ महत लोक बड़ लोक आमे, ताठु बड़ी नीच लोक आ संसारे केइ ना। कालिया शांत जानिले कले किरे
एमिति संसार रे अवंती नगर रे दीनबंधु दास किए से व्यक्ति से भारी प्रसन्न चितरे उदार हृदय रे से भक्त मानंकर लोक मानंकर स्नेह श्रद्धा दे दान पुण्य करुची देखिबा देखिबा टिके पणिखिबा परसिबा टिके कालिया सांतर कृपा लाभ करिबा कोनो सहज कथा की आरे बाप रे बाप कोटि जन्म जन्मां त पळैबा आया ऋषि मुनि गण माने कोटि कोटि जन्म जन्मां त धरि तपस्या करि मध्य तांकर विभूति रु टिके पाइना एवं सही परीक्षा दबा पाई निजे निजे परीक्षा पाई देखिबा दीनबंधु मोर किमिति ना तो दीनबंधु कार्य तो करुची भारियान जगबंधु परि जगत को जनर हितार्थ पई कल्याण पई कार्य करुची देखिबा निजे टिके कौन कले सन्यास रूप धारण कले सबु रूप तांकु जणा से अरूप से स्वरूप से एक से अनेक से स्थूल से सूक्ष्म एकानेक स्थूलम सूक्ष्मान मूर्ति से व्यमातीतम व्यम व्यमोक रूपम चिंता करी माँ सांतानी पचार चंदी आज कुआरे यात्रा की ना मुटी जाऊची अवंती नगर दीनबंधु घर दीनबंधु भारी ख्याति है जोठी जस कीर्ति ख्याति आसीगला जानवे परीक्षा आसीगला साधु सावधान असाधु लोक को सावधानतर सावधानतर विचार कहा जाए साधु सब बड़े सावधान रहा दरकार तेणु जत ख्याति आसीगला कालिया सांत आसी पहुंची गले परीक्षा आउ किए कर आम पी तम पी लोक परीक्षा कर नरमाया नारायण गुगोचर कालिया सांत को जना निजे सन्यास रूप धारण करी गैरिक वस्त्र परिधान करी विभूति लेपन है माला पत्रा पकाई कमंडल दंड धारण करी जाई पहुंचले दीनबंधु दासर द्वार समीपरे एवं दीनबंधु द्वार दासंकर सपरिवार कथा श्रवण करिचंती तांक द्वार पहुंचिकरी कौन करुचंती किलीला करुचंती दीनबंधु सहित जगबंधु देखिबा कालिया सांतंकर लीला जे दिन बंधु दास को ताकु दंसी बुबे के जा आज्ञा प्रमाणे सर्प गला दासंक पुत्र को कौन कल तमर काम तुम्हें परा दीनबंधु जगबंधु तमे कौन कले देखुना दीनबंधु दासर महिमा सब जानिले अवंती नगर जाई पहुंचले द्वार पाखरे गोटे लीला कले करी गोटे सर्प को सृष्टि करी ताऊ कहिले कहले तार दीनबंधुर पुत्र को जाई दंशी सर्प सांग सांग आविर्भाव है भगवान तो संसार सृष्टिकर्ता सीए समस्त बड़ कारीगर सीए
विश्वकर्मां मनुसृष्ट्वां स्तविष्टो स्तविरत ध्रुवः। सर्पटिए बाहरी से तक्षक जाई दीनबंधु दासर पुत्र को दंशन कले। तले दंशन करिछंती सर्प दंशन रे विष ज्वाला शरीर रे चहरी जाई पुत्रटी सेठी गड़ी पड़िले मृत प्राण पड़िला। तले प्राण पड़िला रे बापा जतले स्त्री देखिला अरे मो स्वामी चली गला दौड़ी करी पड़ी आसला स्वामी बाकु देखला आसी स्वामी देरा जीवन नाही। स्वामी के कोल रे धरी तार गुण कीर्तन करी तार समस्त लीला को ये करी बाहु नहीं करी कांदिवा को लगे माँ आसला रे अरे कौन अच्छी मोर को हृदय प्राण निधि आज पड़ेगा पुओ को जाकि कुंडे तार गुण कीर्तन करी से मध्य कांदिला। पुओ को बाप कहला अरे मोर हृदय आज मौली बोला मोर हृदय आज फाटी गला मत आउ स्वर्ग को नब कि मत आउ पुत नामक नरक रु उद्धार करिब कि से मध्य गुण कीर्तन करी पुअर नाम तार जेते जहा कार्य को मन पकाई ता मध्य कांदिल। समस्ते परिवार पंच जन जाको समस्ते बसचंती जणे मृत्युवत हेचंती से मरी जाईची तार गुण कीर्तन करी समस्ते कांदुचंती बाहुनुचंती साई पड़ीसा लोक जे सुनुची समस्ते कहउचंती अरे कोण हला रे दीनबंधुर दीनबंधु एडे दयालु लोक हई तार पुत्र सर्पदर्शन रे मरी गला एई कथा चिंता करुचंती कालिया शांतंकर चिंता कोण से कथा आमे आगु को गले देखिबा।